नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नदीम श्रवण, फेम्स बहुत लोकप्रिय संगीतकार नदीम श्रवण राठौड़ की कोरोना के चलते मुंबई के एसएल रहेजा अस्पताल में मौत हो गई है। और नदीम श्रवण की जो बहुत ही लोकप्रिय जोड़ी थी वो हमेशा हमेशा के टूट गई है। लंदन से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं नदीम। नदीम नदीम सर, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे श्रवण जी की मौत हो गई है कोरोना के चलते? पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, काफी मशहूर जोड़ी थी। 70 के दशक से आप लोगों ने अपनी जोड़ी बनाई थी, भोजपुरी फिल्मों से शुरुआत की थी। अब जाकर 4 दशक बाद ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई है। किस तरह से आपकी भावनाएं उभर के सामने आप रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, भाई प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी? मैं तो भाई आई एम टोटली डिवास्टेटेड। मैं मतलब बहुत टूट चुका हूं अंदर से। आपको मैं बता नहीं सकता कि जो है वो जीते जी तो हम मतलब एक दूसरे का इम्पोर्टेंस जो है वो इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन शन्नू के जाने के बाद, श्रवण के जाने के बाद आज जो मतलब मुझे जो एहसास हुआ कि वाकई में जो है ये दिल से दिल जुड़ा हुआ एक मामला था और बहुत ज़्यादा जो है मेरे मुझे इस बात का सदमा हुआ है कि मेरा भाई, अभी छोटा भाई मेरे साथ नहीं है। बहुत प्यार जो है वो श्रवण ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया हमेशा, एक बड़े भाई के जिस तरह से इसे कहेंगे ना कि मुझे बहुत इज्जत और बहुत ही रिस्पेक्ट से हमेशा बात करते थे हर चीज में, हर चीज में ही वॉज अ यस फॉर मी। तो दिस इज अ वेरी बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब द होल फैमिली। और आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं मेरे भाई का जो है ये समझ लीजिए मेरा छोटा भाई मुझसे जुदा हो गया है, दैट्स इट। सर ये खबर आपको किस तरह से मिला? आप लंदन में इस वक्त हैं और मुंबई में उनकी डेथ हुई है महीम के एक अस्पताल में, आपको किसने ये खबर दी और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी उस वक्त, आपके मन में क्या जज्बा चल रहे थे, आप थोड़ा सा बताएं सर। जी एक्चुअली क्या है कि मैं उनके बड़े बेटे संजीव से जो है मेरा कंटिन्यूस रहा है लास्ट, जब से एडमिट हुए हैं श्रवण, तो उनका फोन जो है वो मुझे पहले समीर जी को आया फोन, फिर समीर जी ने मुझे जो है वो ये बात बताई है ना, आई वॉज वेरी शॉक्ड यू नो। तो उसके बाद से फिर जो है संजीव के साथ मेरी कंटिन्यूसली सुबह दोपहर रात लेट नाइट जो है वो हम लोग बातचीत जो है वो करते आ रहे हैं और मैं सारा वक्त जो है वो इसी चीज़ की मुझे फिक्र थी कि अब क्या हो रहा है यू नो, कि अब कैसी तबीयत है, अब क्या करना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स में जो है वो हर कोई कितना हेल्पलेस हो गया है कि मतलब बता नहीं सकते, इट्स बियॉन्ड मतलब किसी एक्सप्लेनेशन के। तो हम जो है वो कंटिन्यूसली दोनों जो है वो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उनको भी हॉस्पिटल से पता चलता था फिर वो मुझे बताते थे यू नो, और फिर मैं अपने जायनामाज पे बैठ करके जो है दुआ करता था कि बस उसको किसी तरह से उसकी ज़िंदगी जो है वो बच जाए। लेकिन आई गेस डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छी कोशिश की होगी आई एम श्योर यू नो, बट हालात ऐसे हैं, टाइम्स ऐसे हैं कि क्या बताएंगे। जब श्रवण की मौत की खबर आई तो जो समीर अंजान है जिनके साथ आपने बहुत काम किया है, आप अभी का जिक्र भी कर रहे थे कि समीर जी ने आपको फोन पे बताया और आपने संजीव से बात की, मैंने दोनों से बात की, समीर से भी और संजीव से भी बात की। समीर काफी उदास थे, काफी उनका गला भाया था और कई दिनों से मेरी उनसे बातचीत हो रही थी श्रवण से बातचीत को लेकर। संजीव से भी मेरी दोबारा बात हुई, संजीव से भी जब मेरी बात हुई तो बहुत रो रहे थे। वो रोते रोते उन्होंने बताया कि पापा इस दुनिया से चले गए हैं, हार्ट अटैक आया है, उन्हें मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हुआ है। आपने अपने जज्बात को कैसे संभाला जब आपको ये खबर मिली? मतलब आप दोनों भाई की तरह रहते थे, भाई की तरह आप लोगों का बर्ताव था, जैसे कि बताया कि आपको भाई मानते थे, आपने अपने जज्बातों को कैसे रोका, क्या कहा उस वक्त संजीव को और समीर? मैं एक्चुअली रोक तो नहीं पाया हूँ अपने जज्बात को, इन द सेंस कि यू नो वक्तन फोक्तन जो है वो मेरे दिल में, जब भी ये बात को मैं रियलाइज करता हूँ कि श्रवण नहीं है तो जाहिर बात है मेरी सारी वो ख्यालात मुझे वापस आ जाते हैं। जिस तरीके से हमने स्ट्रगल शुरू की थी, जिस तरीके से हम जो है वो उन्नाव साथ गए थे यू नो, और हमारी
एक स्टर्लिंग हाइट्स एंड स्किन्स नाम की जो है वो एक कंपनी थी जिसके साथ हम डील कर रहे थे, तो किस तरीके से 10 दिन हमने जो है वो वहाँ पर उन्नाव में गुजारा, और हमने कहा कि नहीं यार ये बात ये अपने लिए है नहीं हमारी, तो जो है वो जिंदगी जो है वो म्यूजिक ही है, म्यूजिक के बिना चैन नहीं मिल रहा है, यू नो। तो फिर वापस आए साथ में हमने, मैंने अपने पापा से मरहूम जो है जो गुजर गए लास्ट ईयर, उनसे मैंने कहा, मैंने कहा डैडी ये तो मुझसे नहीं होगा, यू नो, हमको और मुझे श्रवण को ऐसा लगता है कि म्यूजिक इज आवर लाइफ, तो हमको आप प्लीज ये इसमें इसमें मत जाइएगा, ये हाइट्स एंड स्किन्स और इसमें सब चीजें। तो उसके बाद जो है फिर जो हमारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, और श्रवण जो है वो हमने बहुत से दुख सुख रोना हंसना, यू नो, इज्जत और फिर उसके बाद रुसवाई और उसके बाद जो है वो सारी चीजें एक साथ झेली है, मतलब एक जूत हो करके। और वक्त मैं समझता हूँ कि नजर भी लग जाती है, ये मेरा भी कामिल बिलीव है कि हमने जो काम किया, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, मैं सारे अपने फैंस का, मतलब श्रवण और मेरी तरफ से दोनों की तरफ से मैं मतलब इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने आज तक जो हम जिए इन इन सब तकलीफों के बाद इज ओनली बिकॉज हमारे फैंस ने हमको जो है वो इतना प्यार दिया, इतना सराहा, इतना इनकरेजमेंट दिया, बार बार जो है उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया। लेकिन इस बार जो है वो आपके जज्बात को समझ सकते हैं, आप अपने आंसुओं पर काबू नहीं रह पाए हैं, बहुत स्वाभाविक है इस वक्त आपका इमोशनल होना रोना। मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं किस तरह से आपको तसल्ली दूं, हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ गए, इसलिए आप रोना स्वाभाविक भी है। मेरा बहुत प्यारा भाई था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, जब भी मैं उसे फोन करूं मुझे लोग इर्द-गिर्द जो खड़े रहते थे वो उसके पास रहते थे, कहते थे अगर बैठ रहा हुआ है तो वो उड़ जाता था आपकी रिस्पेक्ट से, मतलब इतनी मोहब्बत जो है मुझे वो करता था। देखिए मैं तो इस कामिल बिलीफ में हूँ कि ये जो नजर नजर जो है लगी हम लोगों को, और नजर लगने से जो है हम लोग दोनों जो है जुदा हो गए, मैं अपने वतन से दूर हूँ, यू नो, बहुत मिस करता हूँ मैं अपने इंडिया को, बहुत मिस करता हूँ, मुझे बहुत रंज होता है इस बात का कि मेरी आधी ज्यादा जिंदगी इसमें कट गई और अब मेरा छोटा भाई भी नहीं रहा। कितना मिस कर गए आप श्रवण को, आपने इतने साल मिस किया है, उनसे दूर बाहर से दूर रहे हैं, आप लंदन में रहे हैं पिछले कम से कम 23-24 साल से, कितना मिस करेंगे। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि बंदा जब इंसान जब जिंदा रहता है और बंदा जब आमने सामने भी रहता है तो उसकी अहमियत नहीं होती है, लेकिन उसके जाने के बाद इंसान की कदर होती है। इंसान जब चला जाता है तो ये महसूस होता है इंसान को कि वो कितना प्यारा था और बंदे ने कितना और मोहब्बत एक दूसरे से करना चाहिए था। लेकिन हम लोगों का ऐसा था कि कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन खुदा ना खास्ता जो भी अगर होती, यू नो, लेकिन हम जब भी बात करते तो दो भाइयों की तरह ही बात करते, मतलब उतनी मोहब्बत से। मैं भी उसे शन्नू करके पुकारता, वो मुझे नद्दू, सिर्फ दो ही लोग जो है मुझे नद्दू कह के पुकारते थे, एक मेरी माँ और एक श्रवण। तो इतना आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज जो एक एक रिश्ता था। लेकिन कुदरत को मंजूर था कि शायद कि हम जो है वो दूर दूर रहे, यू नो, लेकिन मैं आपको कसम खा के कह सकता हूँ ये बात कि मैंने हमेशा दिल से श्रवण को अपने छोटे भाई की तरह चाहा है, you know? और हमेशा उसके वेलफेयर के लिए मैंने सोचा है हमेशा, you know? पिछले 45 सालों में आप लोगों ने एक दूसरे का दुख और सुख बांटा है, ना आप सुख बांट पाएंगे कोई, ना आप दुख बांट पाएंगे, ना वो आपको अपने आंसू बरा पाएंगे, ना आप अपने आंसू उनको बता पाएंगे, बहुत ही दुखी घड़ी है आपके लिए। मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल भी किया साथ में, बहुत मिलकर के बहुत से अच्छे अच्छे काम मिले, बहुत से एलोकेट मिले हिंदुस्तान से, अब सारे अपने लोग जितने भी बाहर से हैं, जितने भी एशियंस हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया है मैं आपको बता नहीं सकता, और उसी प्यार के सहारे जो है अभी तक हम लोगों ने इसको वो किया। लेकिन आज अभी श्रवण ने जो है वो बहुत नाराज किया मुझे, इस तरह से चला गया।
और कौन सी बातें हैं नदीम जी की, और कौन सी बातें याद आएंगी, वो कौन सी खुशनुमा यादें आपके दिलों में जहन बसी हुई है जो आप बार बार याद आएंगी और इस तरह रुलाती रहेंगी श्रवण के बारे में? बहुत सी और भाई, एक गाना जो हमारा था, देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, हम रिकॉर्ड कर रहे थे सनी स्टूडियो में, तो मुझे याद है कि यू नो एक न्यू ईयर का रात थी, न्यू ईयर की रात थी और सब सब जगह जो है वो सेलिब्रेशन हो रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, यू नो सब वो कर रहे थे और हम दोनों जो है वो साजन का वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, देखा है पहली बार, और जो है एक दूसरे को देख करके जो है वो आपस में गले मिल करके विश किए, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर भाई, हमारी तो हैप्पी न्यू ईयर इसी स्टूडियो में कटने वाली है, यू नो तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें हर रिकॉर्डिंग में जो है किस तरीके से मुझे बहुत मतलब मेरा बहुत कुछ सहा भी श्रवण ने, यू नो एज ए एल्डर ब्रदर मैं थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का था, तो उसका वैसे ही बहुत प्यार से जो है मुझसे हर चीज को मेरी टॉलरेट करना, यू नो और मेरी इज्जत में उसे खुशी होना और मेरी मतलब बहुत बहुत सी इतनी अच्छी अच्छी उसमें क्वालिटीज थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, एंड आई थिंक द वर्ल्ड हैज लॉस्ट अ ग्रेट कंपोजर इन श्रवण, वेरी टैलेंटेड मैन, वेरी वेरी टैलेंटेड बॉय, वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत टैलेंटेड था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 90 दशक में आप दोनों ने मिलकर जिस तरह की फिल्मों को संगीत दिया, जिस तरह सुपरहिट संगीत दिया जो आज भी गुनगुनाया जाता है, कि बहुत ही प्रतिभाशाली थे और उनकी प्रतिभा की कमी हमेशा खलेगी, लोगों को आपको सबसे ज्यादा खलेगी क्योंकि आप सबसे ज्यादा करीब थे। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आप दोनों ने जब भोजपुरी फिल्म से शुरुआत की थी तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी और किस तरह से आप लोगों ने वो पहली फिल्म में साथ में जुड़े थे आप दोनों और आप दोनों के करियर की शुरुआत हुई? देखिए हम लोग तो मजाक में आपस में हम लोग कहते थे हम तो यूपी के बच्चे हैं, यू नो हमको जो है वो हम जब पहली बार दंगल फिल्म हमने जो की थी तो उसके लिए हम और सुजीत कुमार एंड प्रेमा नारायण जी जो है वो उनके साथ गए हुए थे उसके प्रीमियर पर, तो जो यूपी के हमारे भाइयों ने जो फैंस ने जो मतलब जिस तरह से हमारा इस्तकबाल किया था और जिस इज्जत के साथ वो किया था वो इज्जत आज तक जो है वो सीने में पड़ी हुई है, और जो है मैं समझता हूँ इतना प्यार हमको यूपी से भी मिला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि 2 लाख के करीबन ऑडियंस था और हम लोग जो है एक पार्ट में बिटवीन क्या अलाहाबाद एंड अपने बनारस के बीच की आई थिंक ट्रेन थी, अभी बहुत साल हो गए तो अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे माफ कर देना, तो मुझे याद है कि ट्रेन में पूरे ट्रेन में लोग लटक लटक करके जो है वो कर रहे थे हमको, यू नो प्यार दे रहे थे, तो सारे हिंदुस्तान से ऑफकोर्स और वर्ल्ड वाइड से जो है वो लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कितने नसीबदार वाले हैं इसमें, और हर लम्हे पे मुझे अब श्रवण की जो है वो बातें याद आती, मुझे बहुत ज्यादा मतलब गम होता है कि भाई इन चीजों को जो है बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने इतना इतना बढ़िया संगीत दिया 90 के दशक में, आशिकी फिल्म ने आप आशिकी फिल्म 1990 में आई थी महेश भट्ट की फिल्म, उसने आप लोगों की किस्मत बदल दी और उसके बाद आप लोगों ने कभी पीछे मुड़कर देखा, उसके बाद आप लोगों ने दीवाना, दिल है कि मानता नहीं, हम है राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, ऐसी तमाम फिल्मों का संगीत दिया और बहुत ब्लॉकबस्टर संगीत दिया। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा नदीम जी, कि आप दोनों का सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी थी जिसमें आप लोगों को अपना संगीत बहुत ज्यादा पसंद आया हो और आप लोग प्राउड फील करते रहा, आप लोगों ने प्राउड फील किया हो, कुछ बताएंगे इस बारे में? जी बहुत प्यारा सवाल है आपका भाई, कि मतलब मैं आपको देखिए कुदरत के कर्म से जो हमारी दुआओं को ऐसा सुना गया था कि इतनी सारी फिल्में जो थी वो आशिकी, साजन, दिल के मानता नहीं, दीवाना, हमें राही प्यार के, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, यू नो फिल्में बहुत अनगिनत फिल्में, जान तेरे नाम और जी 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 और वो जो परदेश जाना नहीं, राजा हिंदुस्तानी, जी 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 देखिए इनमें सब में ज्यादा जो है वो जुड़ी हुई यादें आशिकी की हैं क्योंकि
वहाँ पर जो है वो गुलशन पापा जी के साथ भी हमारा जो काम था, जो जिस अंदाज से उन्होंने जो हमें प्यार दिया और जिस अंदाज से हमने उसको मतलब अंजाम दिया उसका, उस पूरे फिल्म की म्यूजिक को, और जिस अंदाज से हमें उससे प्यार मिला वापस में, यू नो, लोगों से, तो उसकी यादें, उसकी रिकॉर्डिंग की यादें हमें बहुत आती हैं। साजन की रिकॉर्डिंग की यादें बहुत याद आती हैं, क्योंकि सुधाकर जी मरहूम वो भी जो है हमारे बहुत प्यार करते थे हमको, और ये गाने जो हैं वो बेसाख्ता एक एक जिसको कहते हैं एक चेन बन गया था हिट्स का। कभी कभी ये आराम था कि हम दुआ करते थे कि अब कोई एक फिल्म फ्लॉप हो जाए, यू नो। अच्छा जी फ्लॉप हो जाए, ऐसी दुआ तो कोई नहीं मांगता। ऐसा भी दौर आया हुआ था कि हम दुआ करते थे कि भाई एक आध कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए, कि ये नजर नहीं लगे कि भाई जिस अंदाज से, यू नो, हर कितनी 65 फिल्में तो आई थिंक गोल्डन जुबली थी और 55 फिल्में कुछ सिल्वर जुबली हुई, स्ट्रिंग ऑफ, और हम लोग 19 आवर्स जो है वो स्टूडियो में पैक्ड रहते थे, मैं और श्रवण जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो ब्रेक लेना, थोड़ा सा खाना पड़ा रहता था, ठंडा हो जाता था। तो कौन सी फिल्में थी जिसके बारे में आप लोग दोनों बहुत हाईली सोचते थे कि इसका संगीत हमने बहुत बढ़िया दिया, ये हमारे करियर का सबसे बेस्ट की बेस्ट फिल्में थी? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आशिकी, साजन और दीवाना, ये तीनों फिल्मों में जो है बहुत जान जो है वो लगी हुई थी और उससे हमें बहुत ज्यादा वो भी मिला, यू नो। और बाकी की भी फिल्में जो है, हर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे करियर में फॉर्चुनेटली हर फिल्म हमारे लिए, हमने हम दोनों को, श्रवण का भी यही था कि नदु हर फिल्म में, मुझे याद है एक बार जो है मरहूम लक्ष्मी जी हम दोनों को ऑन द वे जाते जाते जूहू विले पाले स्कीम के उनके घर के बाहर मिले थे, तो उन्होंने हम हमेशा जो है उनको रिस्पेक्ट से जा करके वो उनके पैर छूते थे और बात करते थे, तो एक दिन उन्होंने कहा हमसे, यार क्या है यार तुम लोग काय को 6 के 6 गाने हिट देते हो, यू नो, एक गाना हिट देने का सर। तो हम लोग जो है दोनों बेसाख्ता दोनों के मुंह से ये निकला, बोले सर प्रोड्यूसर तो 6 गानों के पेमेंट देता है, तो 6 गाने जो है वो अच्छे देना चाहिए। तो ये 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 अंदाज था दोनों का, सोच भी दोनों की एक जैसी थी एकदम। यानी ये आप यकीन मानिए कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते थे और इशारे में जो वो समझ जाता था और मैं समझ जाता कि नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। जी जी जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जो म्यूजिक मुगल थे उस दौर के सबसे बड़े, उस उनकी हत्या हुई और उस उनकी हत्या में शामिल होने का इल्जाम आप पर लगा और आप यहाँ से भारत छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, एग्जाइल में चले गए और आप लंदन में बस गए, तो क्या आपने? हाँ रवि जी, सॉरी मैं आपके क्वेश्चन को एक थोड़ा सा वो करूंगा कि मैं यहाँ से गया नहीं, मैं ये एक गलत बात लोगों में जो है वो एक गलत जहन में एक वो है कि मैं वहां से गया, मैं कभी भी नहीं गया, मैं तो लंदन में छुट्टियों के लिए अपने आया हुआ था, आप समझ गए, मैं तो लंदन में ही था, मैं कभी वहां से, जो अनफॉर्चुनेट जो हादसा हुआ मैं उस वक्त तो मैं लंदन में ही था, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्या मिसकंसेप्शन था और क्या मिस इन्फॉर्मेशन था जिसकी वजह से लोगों को आज तक ये, मैं बात आज इसको खुलासा मैं करना चाहता हूँ कि मैं कभी ना भागा हूँ और ना मैंने कोई ऐसी कोई जुर्म किया जिसके लिए मुझे इस तरह की जो है वो सजा मिलने की, यू नो, वो किया था, इल्जाम लगा था। लेकिन आपका कहना है कि आप उस वक्त लंदन मौजूद थे जब 12 अगस्त 1997 में गुलशन कुमार की हत्या मुंबई में एक मंदिर में गोलियों से भून कर दी गई थी, लेकिन ऐसा क्यों कि आप वापस कभी लौट कर नहीं आए और यहाँ पर आपने कोर्ट का सामना नहीं किया, आपने केस लड़ा वहां पर? नहीं, मैंने सारे भाई मैंने सारे कोर्ट का सामना किया है, आपको तो पता है कि लंदन में जो है वो हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मेरे फेवर में दिया, उन्होंने बहुत साफ गो से कहा है, यू नो, कि पुलिस ने जो है वो मुझे फैब्रिकेट करके केस में फंसाया है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें है। और जस्टिस एमएल तेलियानी जी का साफ तौर से वो है, मैं उनको वर्बेटिम कोट कर सकता हूँ इफ आई रिमेम्बर, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कि द कॉन्स्पिरेसी चार्जेस अगेंस्ट ऑल द अक्यूज्ड मस्ट फेल, देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी,
अभी जी, ये सारा झूठ था। हमारे पास 2019 एविडेंसेस हैं अगेंस्ट दिस, मटेरियल एविडेंसेस, आप समझे ना। और बहुत ही इज्जत से हमें जो है वो कोर्ट ने बरी किया। ये बात का मुझे सिर्फ बड़ा डर था कि भाई मैं अगर वापस जाऊंगा तो पता नहीं ये लोग अपने आप को प्रूफ करने के लिए जो है पुलिस वाले जो है वो पता नहीं क्या किस तरह का मुझे मारने की साजिश कर देंगे। आपको इस बात का डर था कि अगर भारत में या मुंबई में कोर्ट का सामना आप करते, भारतीय कानून का आप सामना करते, तो आपको फंसाया जाता, इस बात का डर था, इसलिए आप भारत में आपने भारत के कानूनों का सामना नहीं किया और यहाँ पर केस नहीं लड़ा, इसकी वजह लंदन केस लड़ा। नहीं, नहीं, लेकिन केस तो हुआ ना, वो तो ट्रायल हुआ ना वहाँ पर जो है एमएल तेलियानी साहब का सेशंस कोर्ट में ट्रायल हुआ और उसको एकदम क्लियर कट वे में उन्होंने कहा कि देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी। और ये हर कोर्ट, दुनिया की हर कोर्ट में जहां जहां जाएगा। तो इसके बाद जब आपको क्लीन चिट मिल गई थी, जैसा कि आप बता रहे हैं क्लीन चिट मिल गई, तो आप हाथ लौट कर क्यों नहीं आए? फिर से आपने श्रवण के साथ यहां पर रहते हुए आपने हालांकि बाद में 2000 के बाद इससे संगीत देना शुरू किया था लंदन में रहते हुए, भारत में आकर आपने क्यों फिर अपना करियर शुरू नहीं किया और ये शंका लोगों के मन दूर कर दी कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, आपने ये शंका दूर क्यों की? आप यकीन मानिए, मैं कसम खा कहता हूँ एक बात को कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मैंने मोहब्बत की है और हमेशा से मरे दम तक मेरी मोहब्बत अपने इंडिया के लिए रहेगी। आपको पता है कि सेकंड नेशनल एंथम जो है वो हमारा ही बनाया हुआ है कि आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। आपको पता होगा ना, वो हर बार जो है बड़े बड़े सेलिब्रेशन में बचता है, तो वो भावना जो है अंदर की वो तो बाहर आ चुकी है, तो सारे दुनिया के सामने है, आप समझे ना। कहा काम का सवाल, बस वही एक छोटी सी जो है वो बात थी कि डर। और मुझे अपने ही लोगों ने मुझे इस बात को कहा था कि भाई प्लीज आप लौट के मत आइए अभी, बिकॉज ये आपके लिए अभी नहीं अच्छा है, आप जीत चुके हो, यू नो, तो बहुत से लोग नाराज भी हो सकते हैं इसमें। जो आपके दोस्त थे, उन्होंने करीबी दोस्त थे, उन्होंने आपको ये सलाह दी कि आप मत लौट के आइए। जी, मुझे क्या जिंदगी का एक्सपीरियंस था, हमने तो सिर्फ जिंदगी स्टूडियो के अंदर निकाली है। मैंने आपको बताया इससे पहले कि 19-19 घंटे हम स्टूडियो में रहते थे, तो हमारा तो अवार्ड लेने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं रहता था। आप यकीन मानिए, आपको मैं बताता हूँ कि हम कभी कई बार ऐसा होता है था कि मैं और श्रवण जो है वो अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड लेने के लिए जाते थे, तो हम लोग पास टाइम नहीं रहता था क्योंकि हम रिकॉर्डिंग से भाग करके जो है उसमें जाते थे, मतलब फिल्मफेयर के अवार्ड में। तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग नजर आती थी जहां पे काम चल रहा होता है ना, तो वहां पर उतर के हम लोग कपड़े चेंज करते थे अंडर वाली बिल्डिंग में, और अंडर वाली कपड़े उतार चेंज करके फिर भागते थे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जाते जाते जो है वो भागते भागते टाई पहन रहे हैं और लेस नीचे से वो हो रही, तो लेस को जो है वो बांध रहे हैं, और फिर फाइनली वहां जाते जाते अनाउंसमेंट हो जाता था, तो हाँपते हाँपते हम लोग जाके अवार्ड्स। एक सवाल और है, जैसे कि आपने बताया कि आपने वहां पर केस लड़ा और आपको बेबस साबित किया गया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे कौन वो लोग थे, उनकी हत्या क्यों की गई? आपने भी इसके बारे में सोचा होगा, आप खुद को बेगुनाह जरूर बता रहे हैं, लेकिन आपने क्या सोचा कौन लोग थे वो, क्यों उनकी हत्या हुई गुलशन कुमार की? ये सवाल तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे क्या था, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। आप यकीन मानिए, मैंने सिर्फ अपनी जो है इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए पूरा जो है दमखम लगाया और इस चीज को प्रूफ करवाया कि भाई आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड, और ना कभी मैंने ऐसी चीज, इतनी घिनौनी चीज सोची है। गुलशन जी मेरे भाई थे, मेरे भाई और भाई रहे, और मैं उन्हें बहुत बहुत दिल से प्यार करता हूँ आज भी। चलिए, एक दिन से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भारत छूट गया, अपना देश, अपना मुल्क छूट गया किन्हीं वजहों से, अब जो आपका 45 साल का साथ था श्रवण के साथ वो छूट गया। बस जाते जाते कुछ शब्द कहना चाहें? मैं क्या कहूँ, आज तो मतलब म्यूजिक के लिए ही बहुत सैड दिन है, और मैं अपने एक छोटे भाई को तो खो चुका हूँ, और म्यूजिक ने भी बहुत बहुत टैलेंटेड, बहुत बहुत टैलेंटेड कंपोजर को खोया। That's all I can. And may my brother rest in peace. You know, और मैं उसके फैमिली को भी जो है आपके माध्यम के थ्रू जो है वो कंडोलेंसेस भी करना चाहता हूँ, और दुआ यही करता हूँ कि उनको
बर्दाश्त कुवत दे परवाह। चलिए बीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आपको इस दुख को सहने की ताकत मिले, हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। श्रवण, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए नदीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज के सारे जो है लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और हिंदुस्तान के सारे अपने भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार। शुक्रिया बहुत बहुत। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।